78वें जश्न आज़ादी के मौके पर भारत एकता मंच गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम हाई स्कूल तथा डिग्री कॉलेजेस के तलबा व तालिबात के लिए मुल्क के मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख पर 10 रोज़ा तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। इस सिलसिले का दूसरा मुकाबला अलकमर नर्सिंग फार्मेसी कॉलेज गुलबर्गा में मुनक्किद हुआ। मुकाबले में 11 तलबा व तालिबात ने 11 मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी पर बेहतरीन तकारीर करते हुए जंग आज़ादी में उनकी अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन मानियाल जनरल सेक्रेटरी भारत एकता मंच ने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी पर तलबा व तालिबात की तकारीर को सराहते हुए कहा कि आज जबकि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है, भारत एकता मंच के तहत हाई स्कूल तथा डिग्री कॉलेजेस में तलबा व तालिबात के तकरीरी मुकाबलों के ज़रिए नौजवान नस्ल को मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख से रोशनास करवाने की तहरीक चलाई जा रही है। प्रोफेसर संजय माकल ने कहा कि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के तस्करे के बग़ैर जंग आज़ादी की तारीख मुकम्मल नहीं होती। असद अली अंसारी कारगुजार सदर, आरिफ खान मोतमद, ज़हीर अहमद खान ट्रस्टी, डॉक्टर मुनीर बेग एडमिनिस्ट्रेटर, ईस्टर रानी प्रिंसिपल अलकमर नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टर इमरान प्रिंसिपल अलकमर फार्मेसी कॉलेज, पाशा जागीरदार कोऑर्डिनेटर, इकबाल अली नायब सदर इंडिया बैतुल माल शहनशीन पर मौजूद रहे। During the rule of Sirajuddaulah as a Nawab, the British had also occupied the Fort William in Kolkata. Later that, after occupying, they were even not paying the taxes and other things to the local Nawab. So after that, Sirajuddaulah has started a siege to occupy the Kolkata Fort. In that fort, the siege ended with the capture of fort and winning for Sirajuddaulah. Later that, British have started a counter-attack on the palace of Sirajuddaulah on June 23, 1757. The vital battle of Plassey was fought near the village of Plassey, in present day also known as West Bengal. The battle was marked with the defeat of Sirajuddaulah due to her Kiyans who have turned their back. But before to that, I want to add some more points on Tipu Sultan. Do you know the difference between battle and war? Sirajuddaulah fought. It was a battle between British and Sirajuddaulah. It was battle, only told. But it was a war between Tipu Sultan and British. What is difference between battle and war? Battle is ladai. War is judge. लड़ाई मतलब क्या है? एक चार दिन होता है, एक हफ्ता होता है, एक 15 दिन होता है, एक महीना होता है, फिर बाद में खत्म होता है। कोई इनको मरते हैं, कोई उनको मरते हैं। लेकिन जंग वार सबका जब उधर का सफाई होना नहीं तो इधर का सफाई अच्छा और लोग मरते हैं। इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, पूरे इंडियन हिस्ट्री में द लॉन्गेस्ट वार वॉज फॉट बाय टिपू सुल्तान। जो कौम अपनी तारीख से वाकिफ नहीं होती, वो कौम अपना मुस्तकबिल हरगिज़ तय नहीं कर सकती। फ्यूचर अगर हमारा बनाना है तो हमारा माजी क्या है वो देखना पड़ता है। अगर हम माजी से वाकिफ नहीं होंगे तो हमारा जो मुस्तकबिल है वो हम कामयाबी से तय नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा भारत एकता मंच जो कायम किया गया है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, पूरे वर्ल्ड में ये तहजीब मशहूर है, मारूफ है। ऐसी तहजीब दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जो हिंदुस्तान में मौजूद है। उसका अगर आप देखना चाहें कि ये हमारा भारत एकता मंच है, इसमें हर कौम को हम रिमाइंडर कीजिए। सिख बिरादरी इसमें है, क्रिश्चियन बिरादरी इसमें है, लिंगायत तबका इसमें है, SC/ST तबका इसमें है और कौम मुस्लिम के जिम्मेदार इस मंच में मौजूद है। इसके सरपरस्त आला शेख होते के सज्जादा नशीन है और दीगर हमारे इकबाल अली साहब, संजय माकर साहब, अब्दुल जब्बार साहब और हमारे कोऑर्डिनेटर स्वामी जी हैं
और चर्च के फादर बिशप वहां पर मिलता है। इन जैसे बड़े बड़े हर कौम के जिम्मेदार इस मंच के जिम्मेदारों में हैं। आपको जो इनाम दिया जा रहा है यूं समझिए कि सारे कौम के बड़े लोग मिलकर आपके नाम से नवाजने वाले। अगर आप हिंदुस्तान की तस्वीर को देखना चाहते हैं तो हमारे भारत एकता मंच की तस्वीर को आप देख लीजिए। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहिबा हैं, दीगर लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका और खासतौर पर आरिफ खान साहब का और उनकी टीम का, जनाब असद अली अंसारी साहब का भी गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कॉलेज में एक मुनफरद अंदाज में ऐसी दिलचस्पी हमें दिखाई है कि हमारा दिल आप हजरात की दिलचस्पी को देखकर बाखाब हो